हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों, मैडॉक फिल्म्स और डायरेक्टर अमर कौशिक की फिल्म स्त्री टू स्टारिंग श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, आपको स्पेशल अपीयरेंस में अक्षय कुमार। अब ये फिल्म मैंने फाइनली वेनसडे को नाइट 10 PM का शो बैंड्रा के PVR में पेड प्रीव्यू देख लिया। एंड यू बिलीव मी गाइस, इट वॉज हाउसफुल, जस्ट इमेज हाउसफुल। यानी कभी 15 को पिक्चर रिलीज हो रही है तो 50 करोड़ की ओपनिंग 15 तारीख को डेफिनेटली टू ब्लास्ट द बॉक्स ऑफिस। अब फिल्म की कहानी तो आपको सबको पता है, किस तरह से एक सर कटा भूत होता है, सब लड़कियों को उठा के लेके जाता है। एंड हाउ श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, ये सब मिलके किस तरह से वो उन लड़कियों को वापस आते हैं, इस भूत से टक्कर लेते हैं और क्या क्या होता है उस पर ये कहानी है। तो कहानी तो इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट हाफ, जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, द फर्स्ट हाफ इज सुपर हिट, बहुत मजा आएगा आपको फर्स्ट हाफ में। मतलब हॉरर, कॉमेडी, जोक्स और मजेदार, इतना डरा भी देगा आपको, हंसा भी देगा। फर्स्ट हाफ सुपर हिट, लेकिन सेकेंड हाफ में पिक्चर गड़बड़ हो जाती है दोस्तों। सेकेंड हाफ में पिक्चर डगमग जाती है, कुछ जगह पिक्चर एकदम डिप हो जाती है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड फिल्म। कुछ जगह पिक्चर गिर जाती है लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऑडियंस विल से चलो लेट बी नो प्रॉब्लम, विल मेक दिस फिल्म अ ब्लॉकबस्टर। है तो गड़बड़ सेकेंड हाफ में, लेकिन ऑडियंस माफ कर देगी, बोले चलो स्क्रीन पर राइटर ने फर्स्ट हाफ में इतना धमाल मचाया, डायलॉग राइटर ने इतने अच्छे डायलॉग्स लिखे, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना धमाकेदार है, तो सेकेंड हाफ में कुछ खामियां है तो उसकी वजह से भी ऑडियंस माफ कर देगी उनको और पिक्चर को ब्लॉकबस्टर बना देगी। द फर्स्ट हाफ इज सुपर हिट, सेकेंड हाफ इज ओके ओके, बट ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच, मजा आ गया देख के। परफॉर्मेंस की बात करें तो श्रद्धा कपूर लुक्स वेरी प्रीटी, सो क्यूट सी लुक्स, और काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो चोटी घुमा के जो मारते वगैरह मजेदार, मतलब उनका जो फेस के एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छे है दोस्तों। तो शी इज फर्स्ट रेट। उनके नाम राजकुमार राव, और मजेदार काम किया उन्होंने, उनके जो डायलॉग्स, उनके जो बोला रहे जो, अरे मैं तो दर्जी हूँ, मैं कहाँ से टक्कर लूंगा, और छोटे छोटे जो डायलॉग्स मारते हो, अरे अच्छा हो तुम्हारा नाम बिट्टू है, तुम्हारा नाम किट्टू नहीं है, तो तुमको क्या बुलाती है ना, ऑल दैट जो सुपर उन्होंने किया। तो उन्होंने एक एक जगह पे जहाँ पे लोगों को हंसाना है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, जब वो डरते मजे, वो वहाँ भी बहुत कमाल का वो किया उन्होंने, एक्सप्रेशन दिए। तो ही इज ऑल्सो सुपर राजकुमार राव। पंकज त्रिपाठी जी फंटेस्टिक, मतलब क्या डायलॉग उन्होंने की जेब पंच मारे, पब्लिक हंस हंस के लोट पड़ हो जाती है। मतलब अरे लव बाइट, वो भी उंगली पे, अरे इस तरह से कि पंच मारे उन्होंने, थिएटर में पब्लिक जस्ट लाफ्टर, इतना आवाज आ रहा है थिएटर में हंसी का, कि जेब क्या उन्होंने प्यार से तकी, अरे मजेदार है यार, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। पंकज त्रिपाठी बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, और उनका वो तमन्ना भाटिया का जो एक छोटा एक दो मिनट का जो लव एंगल बताया वो भी बहुत मजेदार होता है। सो इज अ डैम गुड एक्टर। अपार शक्ति खुराना इज ऑल्सो वेरी गुड, किस तरह से वो उनकी गर्लफ्रेंड को उठा के लेके आते हैं सर कटा भूत, और किस तरह से वो बचाने की कोशिश करते हैं, और क्या वो माहौल में वो करते हैं, मजा आ गया। अभिषेक बैनर्जी इज ऑल्सो वेरी फनी, मतलब हंस हंस के आदमी के लोट पोट कर देगा बंदा। तो एंड ऑल दिस फोर गाइज, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना एंड अभिषेक बनिए, जब चारों मिलते हैं, वो जो जाते हैं उधर वो गुफा में जाते हैं सरकटा भूत को ढूंढने के लिए, और वहाँ पे जो क्या माहौल होता है, किस तरह से एक दूसरे को वो डरते हैं, माई गॉड डेट वॉज रियली हिलेस। स्कैरी तो था ही लेकिन आपको हंसी भी आती है उसमें, तो राइटर और डायरेक्टर की बहुत कमाल की जुगलबंदी उस जगह पे, मतलब इट्स जस्ट सुपर मैन दैट सीन। जब वो जाते हो उठे हो, अरे भागो, सब चार जन भागते बाइक पे, भागते पीछे सरकटने के आते भूत, ओ गॉड डैट, पब्लिक थिएटर में हंस हंस के इतना आवाज, वो सीन खत्म होने के बाद पब्लिक हंस रही थी, डैट वॉज सुपर। सो ऑल दिस फोर गाइज एंड श्रद्धा कपूर एंड राजकुमार राव इन सब, एवरीबडी हैज डन सुपर। अक्षय कुमार केमियो में अच्छा काम किया उन्होंने, वरुण धवन का भी केमियो इज ऑल्सो वेरी गुड। उसके लिए बहुत सारे कैरेक्टर है, उन्होंने सब ने जबरदस्त काम किया है, लेकिन पिक्चर क्या डिप हो जाती है, थोड़ा गड़बड़ क्या हो गया मेरे हिसाब से, आई एम नॉट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, क्योंकि सबको पता है कि वो सरकटा भूत
सब लोग यही अज्यूम करेंगे वो अक्षय कुमार है, बट इज नॉट अक्षय कुमार। अक्षय कुमार है वो कुछ बताया नहीं, वो ठीक से बताया नहीं हु इज एक्चुअली सरकटा भूत। तो वो बताना चाहिए था मेकर्स को कि ऑडियंस तो ये सोच रही है कि यार ये अक्षय कुमार ही है, मैं भी समझा अक्षय कुमार ही है। अब फिर जब पिक्चर खत्म होती है बाद में कुछ गाना वाना है पता नहीं वहां बताया कि नहीं, वो तो मैंने देखा नहीं पिक्चर जो आखिर में गाना था, मैं तो उठ कर चला गया बाहर, तो पता नहीं उस वक्त बताया कि नहीं बताया। लेकिन वो लोगों को क्लियरली बताना चाहिए कि ये सरकटा भूत है कौन। तो यहाँ थोड़ा मार खा गया पीछे, क्योंकि थिएटर में हर बंदा यही सोच रहा है कि ये अक्षय कुमार ही है, क्योंकि जब वो शक्ल भी जिस तरह से उनकी फिल्म थी रोबोट, रोबोट 2.0, उसमें किस तरह से अक्षय कुमार वो मोबाइल का बाद में किस तरह से उनकी शक्ल दिखाते, तो ऑडियंस वेट कर रही थी उसी तरह से अक्षय कुमार को बताएगी वो लोग, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। तो यहाँ पिक्चर थोड़ी गड़बड़ हो गई पिक्चर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ खामियां है लेकिन बहुत सारी अच्छा ही है इस पिक्चर में। सो स्त्री टू आई वुड से इट्स अ वेरी गुड वॉच। फर्स्ट हाफ इज सुपर हिट, यू विल लव इट, यू विल एंजॉय इट, यू विल लाफ, यू विल गेट स्कैर्ड, एवरीथिंग इज सुपर इन फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ लिटिल गड़बड़ है थोड़ी, लेकिन स्टिल यू विल एंजॉय द फिल्म। ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच, इट्स अ वेल मेड फिल्म एंड इट्स अ ब्लॉकबस्टर। 50 करोड़ की ओपनिंग है 15 अगस्त की इस पिक्चर की, मार्क माई वर्ड्स। उतनी तो मेरे ख्याल से लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ओपनिंग हाउसफुल जा रही है सब जगह पे, तो उतनी तो होनी चाहिए। सो फाइनल वर्डिक्ट ऑफ स्त्री टू, इट्स अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, गो एंड वॉच। फैंटेस्टिक परफॉर्मेंस बाय श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना एंड अभिषेक बैनर्जी, ऑफकोर्स अक्षय कुमार एंड वरुण धवन, एंटायर कास्ट एंड क्रू हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। द डायलॉग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, एवरीथिंग इज सुपर्ब। द डायरेक्शन ऑल्सो वेरी वेल डन बाय अमर कौशिक। सो फाइनली इट्स अ सुपर हिट। सो गो एंड वॉच दिस फिल्म ओनली एंड ओनली इन थिएटर्स। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल अबाउट द मैटर्स बाय सेइंग गुड बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।